السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والجحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ ویسے تو عام طور پر تاخراتوں میں مجمع ایسا ہوتا ہے، عام راتوں میں تراوی سے فارغ ہو کر لوگ پہلے دن کی نیند کی قضا کرتے ہیں، کیونکہ ایک دن پہلے جاگ کر رہتے ہیں نا. میں بھی گوری پانڈیا مسجد عمر فاروق سے نکلا یہی سوچ کر کے چھوٹی کوئی مجلس ہوگی، 15-20 یا 25-50 حضرات ہوگی، ہمارے ہاں تراویح ذرا اطمینان سے ہوتی ہے، تو الحمدللہ آپ کے ہاں بھی ویسے ہی ہوگی. اطمینان سے تراویح پڑھانے کے بعد جلدی نکلا لوکیشن کو فالو کرتے ہوئے، لیکن آپ کے علاقے کی گلیوں میں گوگل گھس کر بھی بھول گیا. بلال مسجد تک تو گوگل بھی میرا ساتھ دے رہا تھا، وہاں آنے کے بعد انہیں بھی پریشان ہو گیا. خیر،
मैं भी थका हुआ हूँ, आप भी थके हुए हैं। बड़े बड़े हजरात तशरीफ फरमाए, लगकुशाई करना बेअदबी है। ज्यादा देर बात नहीं करूँगा, सिर्फ दो तीन घंटे बात करके खत्म कर दूंगा। बैठेंगे एक दर्द एक इलाज, ये दो चीजें पेश करके अपनी बात खत्म करूंगा। उससे पहले एक गुजारिश, जो सुनेंगे उस पर अमल करेंगे। जितना सुनना था अल्हम्दुलिल्लाह सुन लिया, अब सिर्फ अमल करने का वक्त है। और उम्मत का रिश्ता जब अमल से कट जाता है, उम्मत जवाल के साए में आ जाती है। अरे ये बात समझ ले, अरे अरे नहीं है, बहुत सादी सीधी उर्दू में बात करता हूँ मैं। मेरी उर्दू तो बिल्कुल मोटी मोटी, अब्बा जान के बाद मेरी उर्दू कर्नाटक में मोटी। मेरी उर्दू को सुनकर हजरत आजकल लोग डाउट कर रहे हैं, मौली साबित क्या हो गया है। उर्दू को माहौल में लाकर बात करने का मकसद क्या है कि सुनने वाला समझ जाए, और जब तक बात समझ में नहीं आती अमल का शौक पैदा नहीं होता, और जब तक अमल का शौक पैदा नहीं होता आसमान से तौफीक के फैसले नहीं मिलते। पहले बात समझना, फिर अमल का शौक पैदा करना, बाद में हिदायत के फैसले होते हैं। बात समझे नहीं, अमल का शौक नहीं, हम जैसे गुनहगारों की मजलिस में तो दूर की बात के पीराने पीर की मजलिस में भी बैठेंगे अमल की तौफीक नहीं मिलेगी। अल्लाह फरमाते हैं इरादा तू कर, फैसला मैं करूंगा। बोलो सुभान अच्छे बात आगे तो बोलना सुभान अल्लाह माशाल्लाह। आईपीएल में सिक्स मारे तो थालियां मारते नहीं, एक आदमी बोल रहा है, एक आदमी मसला पूछ रहा है। हजरत एक मसला पूछ तो बयान में बोलना नहीं हजरत का है। बोला मन के शर्त लगाकर मसले पूछो, रुको जवाब देना मेरा काम है। तेरा सवाल अच्छा रहा, तब की जरूरत पड़ी तो बयान में बोल, तो नहीं लेकिन नाम तो नहीं लूंगा। क्या बापू रमजान में आईपीएल देख सकते क्या हजरत? रमजान आईपीएल देखने का महीना, रमजान तो खुदा को मनाने का महीना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस आदमी से ज्यादा बदबख्त तो बदनसीब कोई और नहीं जिसकी रमजान में बख्शिश न हुई हो। बारह महीनों में सरदार रमजान, अल्लाह हर महीना अपने बंदों से राजी, लेकिन रमजान की बात ही कुछ और है। रमजान मुबारक के महीने में अगर अल्लाह का बंदा खुदा को न बनाए और अल्लाह उस बंदे को माफ न करे, फिर शायद के कोई और महीना मुकद्दर में हो। ये आईपीएल का महीना नहीं, ये रोजे का महीना, तरावी का महीना, कुरान का महीना, रोने का महीना, तड़पने का महीना, तमसने का महीना, रात को दिन बनाने का महीना, दिन को रात बनाने का महीना। इस महीने में अगर बख्शिश न होनी, उससे ज्यादा बदनसीब वो बदबख्त कोई नहीं। खास पहली गुजारिश है कि अमल की नीयत रखो। अल्लाह फरमाते हैं इरादा करना तेरा काम, फैसला करना। आज मैं इंशाअल्लाह तहज्जुद की नमाज पढ़ता, इरादा कर लेना। अल्लाह फैसला कर देता,
हमें इरादा चाहिए करते, इरादे को ढकलते हमें, हमें इरादा चाहिए करते, इरादे को ढकलते। पढ़ो ना कि तहज्जुद, अभी बुढ़ा थोड़ा नहीं आ रहा है, मैं तहज्जुद को बूढ़ों की नमाज समझ के हम लगा दाढ़ी रखो ना भाई, अभी शादी छिड़ी नहीं ना तुरंत हज कर लियो ना भाई, अभी बच्चा की शादी होना है तुरंत। इरादों को जो ढकेलता है वो तौफीक से महरूम हो जाता है। अमल बाद में करो। हजरत क़िबला के हवाले से जुमला अर्ज कर रहा हूं, अमल बाद में करो, इरादा तो पहले करो, मुझे करना है, मैं इंशाल्लाह करूंगा। अमल की पहली सीढ़ी का नाम है इरादा, अमल की पहली सीढ़ी का नाम है नियत। आज मुसलमान इसी मसले में ठोकर खा रहा है, इरादा ही नहीं करता। करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि एक दर्द, एक फिक्र, एक इलाज, ये दो बातें करूंगा मैं आपके सामने। उससे पहले की गुजारिश, जो सुनेगी इंशाल्लाह अमल करेगी। अब अमल करने का वक्त है, आगे मोहलत नहीं मिलेगी। अब मैं बहुत छोटा हूं, बड़ों की बातें सुनता हूं, किताबें पढ़ता हूं, गौर व फिक्र करता हूं, नतीजे निकालता हूं। उलमा बैठे, मौलाना एक सेकंड, आप बार बार सब मत करना, समझ नहीं आते, रत्ती भी आगे पीछे हो तो मुझे मालूम हो जाता हूं। तो मई के सामने मेरा जितना वक्त गुजरा नहीं, हमारे बेगम के सामने भी नहीं गुजरा। आज हालात बहुत खराब है, एक दर्द, एक फिक्र, अब अमल करने का वक्त है। गुरपट पांड्या, बिस्मिल्ला नगर, बेंगलोर, कर्नाटक, हिंदुस्तान, सब जगह के मुसलमान, मेरी पर्सनालिटी को सामने न रखो, मेरी बातों को सामने रखो। मैं बड़ों की बातें सुनता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, गौर व फिक्र करता हूँ, नतीजे निकालता हूँ। खास तौर पर नौजवानों से बात करता हूँ कि ये आखिरी मौका है, अगर अब नहीं समझोगे तो फिर मौका भी नहीं मिलेगा। खुश नसीब है ये बुजुर्ग जिन्होंने बचपन भी देख लिया, जवानी देख ली, बुढ़ापे के मंजिल पर कदम रखा, बच्चों की खुशियां देख ली, उनकी औलाद की खुशियां देख ली। मैं तो ऐसे लोगों को देखता हूं तो खुश नसीब कहता हूं। नरगे में कौन है इस वक्त का नौजवान? अभी तुमको दुनिया बहुत देखना है, से हमारी जिंदगियों का कुछ हिस्सा गुजरा है। समझ में आ रही है बात मेरी? अरे समझ में आ रही है? आज हमारी जिंदगियों का कुछ हिस्सा सुकून से गुजरा है, ये हमारी मेहनतों का नतीजा नहीं, हमारे बड़ों की मेहनतों का नतीजा है, बड़ों की कुर्बानियों का नतीजा है, बड़ों की शहादतों का नतीजा है। ये उन्होंने कुर्बानियां दी, उन्होंने शहादतें पेश की, उन्होंने मेहनतें की, अल्हम्दुलिल्लाह फल हम खाए हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी नस्लें कुछ सुकून के साथ जिंदगी गुजारे, नस्लों की नस्ल तक सोचने की ताकत हमारे पास नहीं, नस्लों की नस्ल तक काम करने की ताकत हमारे पास नहीं है, कम से कम हमारी अपनी नस्लें सुकून के साथ गुजरना है तो हमको कुछ कुर्बानियां देना है, हमको कुछ शहादतें पेश करना है, हमको कुछ मेहनत करना है। बच्चों से मोहब्बत का दावा झूठा है उस आदमी का जो अपने बच्चों के लिए दौलत बना कर रखा है। बच्चों से मोहब्बत का दावा झूठा है उस आदमी का जो अपने बच्चों के लिए घर बार बना
हमारी दौलतें काम नहीं आई। करने का उस वक्त हाल वक्त है। अब ये एक नौजवान के सर पे हाथ रखकर उसके गले में घाट डालकर मैं कह रहा हूं, समझो अब बदलने का वक्त है, अमल करने का वक्त है। एक एक मजलिस में दो दो चार चार बातों को सुनो, अमल करो, इंशाल्लाह ताला गुजरते जाओ। डरने की भी जरूरत नहीं है। दुश्मनों से हजरत क्या हजरत लगा सुधरने के लिए, पहले हमें सुधरना। डरना भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सामने कितना बड़ा फिरौन भी हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह हमें मूसा बन गए तो मसले हल हो गए। पत्थर का जिगर फौलाद का दिल पारा पारा होता है, जब नाम खुदा का लेता हूँ मैदान हमारा होता है। इसलिए अमल करो, अमल। कल की रात और आज की रात अगर मस्जिद इस तरीके से भरी है तो हालात नहीं बदलेंगे। रमजान के बाद हर वक्त की नमाज में जब मस्जिदों का ये मंजर होगा इंशाल्लाह हालात बदल जाएंगे। मुज़म्मिल साहब आ रहे हैं, हजरत तलहा साहब दावत बरकातुहुम आ रहे हैं, दीगर उलमा आ रहे हैं, मस्जिद भरती है हालात नहीं बदलेंगे। नमाज का वक्त आ रहा है, मस्जिद भरती है हालात बदलेंगे। करेंगे अमल इंशाल्लाह। अब दर्द सुनो, दर्द क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया में सबसे ज्यादा तादाद मुसलमानों की है। किसकी? मुसलमानों की। ये अखबारात, ये रिसर्च, ये गूगल, ये यूट्यूब, ये इंटरनेट, इसको बाथरूम के जग का भी दर्जा दे उनको। अंडरस्टैंड? आई नो लिटिल लिटिल इंग्लिश। हजरत तुम्हें इंग्लिश आती नहीं? हजरत नहीं बात ऐसा बोल रहा है ताकि मैं फरान भूल जाता। मैं अगर उसे सवाल करता, मैं तुझे अरबी आती नहीं? नहीं, क्या जरूरत है? इंग्लिश नहीं आती तो उसका चेहरा दबा का होगा। मैं पूछा तुझे अरबी नहीं आती, कुरान नहीं आती, शाम से बोला नहीं। अर्ज कर रहा था सारी दुनिया में सबसे ज्यादा तादाद किसकी? और एक मरतबा बोलो, मुसलमानों की। लेकिन दुनिया रिसर्च क्या पेश कर रही है? ईसाइयों की। फर्स्ट नंबर गलत, 110% गलत। सारी दुनिया में दो ही कौम है। कितनी कौम है? दो। हजरत तवज्जो चाहता हूँ, आप मेरे बड़े हैं, मैं यहाँ कुर्सी में बैठा हूँ तो भी अदबी है, मैं समझ रहा हूँ कि आपके गोद में बैठा हूँ। सारी दुनिया में दो ही कौम है, ये खुदा को मानने वाले भी, ये खुदा को ना मानने वाले भी। बस ना मानने वालों के अंदर अकसाम है, वो अलग बात। एक खुदा को मानने वालों की, एक खुदा के ना मानने वालों की, दो ही तरह। अब कयामत बहुत करीब है, बहुत बहन की बात बता रहा हूं, समझा रहा हूं, समझो, बहुत करीब है कयामत। इतनी भी करीब नहीं कहीं जमा जाएंगी, कम से कम 200-250 साल है। ये मतलब ईसा अलैहि सलाम आकर जाने के बाद ही रिवायत में आता है 120 साल दुनिया चलेगी। क्या कब की एक मरतबा क्या की नवंबर 12 को क्या था, को कोई इशू उठा था, रात को 1:30 बजे कितनी का फोन आ रहा है, मतलब सो गए क्या? यही बात, मेरे फोन का इंतजार कर रहे थे, 1:30 बजे फोन कर रहा, सो गए क्या पूछ रहा। हम लोग पहले से नींद कम, सो गई बड़ी मुश्किल से, उठना जरूरी है। अभी नहीं हजरत, बहुत परेशान हो, अब परेशानी ने उलमा साहब नहीं, तो क्या काउंसलर आ सकते? 10 बजे के बाद काउंसलर का फोन ऑफ, एमएलए का फोन ऑफ, एफबीआई का फोन ऑफ, एक मौलवी साहब है 24 आवर्स अवेलेबल। बहुत परेशान
मुबारक अली को खिलाफत अली का बहुत सवाल सबूत नहीं कर सकता था नहीं बंदे उठा कुछ करना क्या मुझे भी इतना गुस्सा आया बिल्कुल सही बात सवाल सबूत को जितनी प्रॉपर्टी गवाही है मेरे को पता है सदन रखा सफल अब तक का पटा उठाए है कियामत करीब लेकिन इतनी भी करीब नहीं कि नेक्स्ट मंथ आ जाए नेक्स्ट ईयर आ जाए कुछ अरसा है लेकिन भाई बता रहा हूं अहले इल्म अहले नजर अहले फिकर तमाम हजरात तवज्जो से सुने उलमा मेरी इस्लाह करेंगे दुनिया में कितनी कौमें हैं सिर्फ दो कौमें हैं तीन भी नहीं इस हदीस की तारीख तीन भी नहीं ये मानने वाले ये क्या मानने वाले ना मानने वालों के अंदर अक्साम हो सकते हैं मानने वाले हम सब अल्हम्दुलिल्लाह अगर इस तकसीम को सामने रखेंगे मेरे रब की कसम दुनिया में सबसे ज्यादा तेरा मुसलमान मेरे आका ने फरमाया कल आका ने फरमाया कसरत से बच्चे पैदा कर कसरत से न तो कितना कसरत का तो ज्यादा ज्यादा बच्चे पैदा करो बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका मतलब कभी मौली साहब से पूछे थे कसरत का मतलब क्या हजरत बोलते हमें कसरत का मतलब समझे दो अच्छे अच्छे मुंतकिया को हमने देखा बड़ी लंबी लंबी नमाजें बड़ी लंबी लंबी दाढ़ी हर महीना हज वक्त आने पर हर साल हज वक्त आने पर उम्र बड़े दीन की बातें करने वाले खुदा ने दौलत से भी नवाजा लेकिन इस पैगंबर की ख्वाहिश पर अमल नहीं तखवा खत्म तखवा खत्म जब अल्लाह ने आपको ताकत दिया चलो भाई मानने की तो बात नहीं फिर भी इजहार है गुर्बत है हजरत का भी नहीं कर सकता थोड़ी अकल में आने वाली दौलत तो अल्हम्दुलिल्लाह है ना 25-25 करोड़ का आसामी है लेकिन दो बच्चे नहीं खुदा के रसूल को कल कयामत में क्या चेहरा दिखाएगा नहीं हजरत दो जन को पाल को तरबियत करदा ले तो बस हजरत प्यारे आका ने फरमाया कसरत से बच्चे पैदा करो कम से कम 7-8-10-12 बना अल्लाह के हबीब ने फरमाया कसरत से बच्चे पैदा करो क्योंकि तमाम अंबिया में सबसे ज्यादा मेरी उम्मत होगी और एक रिवायत में आका ने फरमाया हशर का मैदान कायम अल्लाह की अदालत फैसले के इख्तिताम के बाद जन्नती जब जन्नत को चले जाएंगे जहन्नमी जहन्नम को चले जाएंगे जन्नत का दरवाजा हमेशा के लिए बंद जहन्नम का दरवाजा हमेशा के लिए बंद जन्नत की नेमतों में बंदे महरूम होंगे एक एक लम्हे एक एक नेमत अल्लाह तबारक व तआला अता करेंगे एक वक्त वो आएगा कि पूरी जन्नत को अल्लाह तबारक व तआला मतलब अहले जन्नत को अपना दीदार कराएंगे दीदार के लिए पूरे जन्नतियों को बुलाएंगे सब को सब खड़ा करेंगे मेरे आका ने फरमाया खुदा के दीदार के लिए ऐसे सब बांध कर जन्नती खड़ेंगे जैसे मेरी उम्मत नमाज में सब बांध कर खड़े होती है ऐसे करेंगे और सबों की तादाद भी मेरे आका ने बयान कर दिया आका ने फरमाया पूरी जन्नत में 120 सफे होंगी जो खड़ी रहेंगी लेकिन ये नहीं बताया कि एक सब में कितने होंगे 120 सफे सुनकर ये नहीं समझना कि जन्नत की तादाद कम होगी 120 सब एक सब में पता नहीं कि कितने लाख खड़े रहेंगे कितने करोड़ खड़े रहेंगे कितने अरब खड़े रहेंगे अल्लाह आलम बिसवा या नहीं तो थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अल्लाह जब अपना दीदार करेंगे तो सफे ऐसी रहेंगी जैसे खाने काबा के अतराफ नमाज की सफे खड़ी होती है कहां से शुरू होती है सब कहां खत्म होती है सब इसका एतबार नहीं इस मस्जिद अब्दुस सुभान में सब खड़ती है शुरू होती वहां से खत्म होती यहां पर खाने काबा के अतराफ में जब सब होती है गोल चक्कर होती है अल्लाह का घर बीच में होता है खुदा भी ऐसे दीदार कराएंगे 120 सफे तमाम अंबिया की उम्मत की होगी आका ने फरमाया उसमें से 80 सफे तो सिर्फ मेरी उम्मत की होगी
बकिया 1,20,003,999 नबियों की उम्मत मिलाए तो 40, तन्हा मेरे नबी की उम्मत मिलाए तो 1,20,000। कौन सा सुनना, एक कहानी एक वाकिये की तरह नहीं, लिंक्स रखो। ख़यामत अभी सिर्फ 250 साल बाकी। पैगंबर ने फरमाया मेरी उम्मत सबसे ज्यादा होगी, और आज दुनिया कहती है कि मुसलमान तादाद में कम है। नहीं, पढ़ने के दौर से लेकर 4 साल पहले तक भी मौलाना ये सवाल मेरे जहन में था कि भाई ईसाइयत सबसे ज्यादा है, मुसलमान कम है। अब 200 साल में पैदा हुए तो भी कितने होंगे, अब तो मुसलमान भी कम पैदा करने लगा है। मौलाना कतीब अब्दुल मजीद लुधियानवी रहमतुल्लाहि अलैह का खुतबा पढ़ रहा था तो हजरत के खिताब में मेरे सवाल का जवाब मिल गया। हजरत ने बड़ा बेहतरीन जवाब दिया, ईसा ने सवाल किया कुरान शरीफ पढ़कर, क्योंकि मेरा सालों से जो सवाल था किसी को पूछ ना सका, लेकिन सवाल जहन में था कि भाई इस वक्त ईसाई ज्यादा है मुसलमान कम है। आका फरमाते हैं कयामत करीब आने आने मेरी उम्मत बढ़ जाएगी, मेरी उम्मत ज्यादा होगी। मौलाना अब्दुल मजीद लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इस वक्त दुनिया में एक भी ईसाई नहीं है, इस वक्त दुनिया में एक भी मुसलमान नहीं है। ईसाई कब था, जब ईसा थे मेरे पैगंबर के आने से पहले, जो ईसा पर ईमान लाया वही ईसाई था। अब मेरे पैगंबर आने के बाद पैगंबर का इनकार करना ईसा का भी इनकार करना हो गया। इस एतबार से दुनिया के तमाम कौम वाले मुनकरीन में से हो गए, मुसलमान सिर्फ अल्लाह को मानने वाले हो गए। मैं बताना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा तादाद मुसलमानों की, दुनिया में सबसे ज्यादा हुकूमत मुसलमानों की, दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा माल मुसलमानों के पास है, सबसे ज्यादा माल मुसलमानों के पास है, पक्की बात है। बहस करने के लिए बैठे तो बैठ जाओ ना, दौलत है तो हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। जिद्दा में एक मरतबा 3 दिन में रहा, मेरे दोस्त रहे मुझे लेकर फिरते रहे, बाजार को गए मौलाना, अल्लाह हू अकबर कबीरा, ये हजरत तो जानते हैं, इनके दौरे होते रहते हैं, बहरेन, कतर, दुबई, ओमान, क्या कहते हैं जिद्दा, सऊदी अरब, अल्लाह हू अकबर। सोने के दुकानों में सोना इतना पड़ा हुआ है जितना तो यहाँ के प्याज के दुकान में प्याज नहीं है। सोने के दुकान में इतना सोना पड़ा हुआ है, यहाँ तो कोथमीर पुदीना करे पाक के दुकान में उतना कोथमीर पुदीना करे पाक नहीं है। कपड़े के मार्केट को लेकर गए, सुनो गौर से, कपड़ों के मार्केट को लेकर गए कपड़े, अल्लाह अकबर, एक लेडीज ड्रेस रखा था, अच्छा था, लेने का तो इरादा नहीं, देख रखा था। उस दुकान में मेरे दोस्त के दोस्त केरला वाले थे, एक ड्रेस लेडीज का शादी के दिन पहनती करते उन्हें, हाँ कि आपा यहाँ के आपा वहां भी पहनते शादी के दिन पहनती करते वहां की आपा, क्या कीमत रहेंगी बोलो ड्रेस की, वो हिंदुस्तान के रुपयों के हिसाब से उस वक्त रियाल 14 रुपए या 12 रुपए चल रहा था, उस वक्त के एतबार से हिंदुस्तान की कीमत का अगर हिसाब लगाएंगे तो हिंदुस्तान में 17 लाख रुपए होते हैं। वहीं खड़े खड़े हिसाब लगाया, और 3500 कब, 21 दिन पहनती है फिर नहीं। जिस कौम के कपड़ों की कीमत इस्तेमाल की 17 लाख रुपए है, दुनिया क्या कह रही है कि मुसलमान गरीब है। खाना खाली रमजान मुबारक के
आखिरी अफसरे में खाने में मुसलमान जो खर्च करता नहीं, दूसरी कौम के पांच पांच साल का अकाउंट नहीं। हालांकि लिस्ट कुरान के पारों की लिस्ट ज्यादा है। गिरी की फाल कहते, कबले की फाल कहते, क्या की फाल कहते, अब नबी फाल निकली है पत्थर की फाल। वो कैसी पत्थर की फाल है उम्र को मैं भी देखना पड़ता। हमारे घर के पास उसे गुजरिया, ये बच्चे को बोला धान देखो जरा दिखा भाई, पत्थर की फाल कहती उम्र को देखो गया तो इतना मोटा पत्थर है, इतने बड़े बड़े टुकड़े। करीब से गया तो देखा गोश गलिया कि नहीं गलिया, पत्थर पड़ गया। नोट करो नौजवानों, तेदाद हमारी, हुकूमत हमारी, दौलत हमारी, ताकत हमारी, फिर भी इस वक्त सारी दुनिया में नाकाम मुसलमान की क्यों है? दर्द समझ में आया? किसे किसे आया हाथ उठाओ। माशाल्लाह सबको आया। ये सच्चे हता कांग्रेस कहते हैं। तेदाद हमारी, हुकूमत हमारी, दौलत हमारी, ताकत हमारी। प्यारे आका फरमाते हैं चार किस्म के लोग ऐसे हैं जिनको दफनाने के बाद उनके कब्र में दूसरों को नफ दफनाओ, इसलिए कि कियामत तक उनका जिस्म ताजा रहता है। एक अंबिया, उनके जिस्म को मिट्टी नहीं खाती। दूसरा शोहदा, उनके जिस्म को मिट्टी नहीं खाती। तीसरा मुअज्जिनी, उनके जिस्म को मिट्टी नहीं खाती। चौथा जिनके सीने में अल्लाह का कलाम हाफिज़े कुरान है, उनके जिस्म को मिट्टी नहीं खाती। सारी दुनिया की कौमों की जिंदगी मौत पर खत्म हो जाती है, मोहम्मद के गुलामों की जिंदगी मौत के बाद शुरू होती है। सब हमारे पास है, लेकिन नाकाम क्यों हो मुसलमान? कभी सोचा मेरा नौजवान भाई? मैं बड़ों से कुछ नहीं, नौजवानों से कहना, कभी सोचा नौजवान? इस सवाल का, इस दर्द का जवाब कई उलमा ने कई तरीके से दिए। जवाब देकर बात खत्म करूं। हजरत अहमद लाहौरी फरमाते हैं, इस सवाल का जवाब हजरत अहमद लाहौरी देते हैं। कौन देते हैं? हजरत अहमद लाहौरी देते हैं। उम्मत नाकाम तीन बातों की वजह से होती है। कितनी बातों से? तीन बातों की वजह से। तीन असबाब ऐसे हैं, तीन रीजन ऐसे हैं जिसकी वजह से उम्मत तेदाद में ज्यादा होकर भी नाकाम हो जाएगी, जिसकी वजह से उम्मत के पास ताकत दौलत हुकूमत रहकर भी नाकाम हो जाएगी। वो तीन बातें, मुख्तलिफ और भी बातें हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ, हजरत अहमद लाहौरी का जवाब बता रहा हूँ। हजरत अहमद लाहौरी फरमाते हैं, पहली बात ये है, जब उम्मत का रिश्ता कुरान से टूटता है, उम्मत वंचित नाकाम हो जाती है। आज बात सही है कि नहीं है? हम में से कितनों का रिश्ता कुरान से मजबूत है? आज कितनी तरावी? 22वीं तरावी मुकम्मल हुई, हाफिज साहब मुकम्मल किए, कहीं 25, कहीं 26, कहीं 27, कहीं सूरह रहमान, कहीं सूरह वाकिया तक कुरान पाक पढ़ा गया। दोस्तों, सुनने वालों की तादाद किसने? से रिश्ता मजबूत होता, इल्जाम मेरा गलत साबित करो। कुरान से अगर हमारा रिश्ता मजबूत होता, पहली तरावी का जो मजमा होता था, आज की तरावी का भी वो मजमा होना कि नहीं होना? नहीं। ना कुरान उम्मत पढ़ने के लिए तैयार है इस वक्त, ना कुरान सुनने के लिए उम्मत तैयार है, ना कुरान देखने के लिए तैयार है। हजरत क़िबला बेंगलोर का वाकिया, क्या रोए! अल्लाह के दरबार में जवाब देने का खौफ ना होता, उलमा तकरीरें बंद कर देते। मां उम्मीदी अगर कुफ्र ना होती, अहले दिल बयानात बंद कर देते।
जाकर पैगंबर की 23 साल मशक्कतों का मुकाबला नहीं कर सकते। आखिरी वक्त तक भी अल्लाह के रसूल उम्मत की फिक्र कर रहे थे, उनके वारिस है तो हमको भी फिक्र करना पड़ता है, वरना तुम्हारी बेहिसी से मायूसी हो रही है। कुरान से रिश्ता कमजोर हो गया, बल्कि खत्म हो गया। 100 में 90 पर 9 नहीं, 1000 में 990 पर 9 अफराद कुरान से दूर। रमजान और गैर रमजान में तुमने कुरान के छोड़कर मोबाइल को यूज किया। मैं मिसाल देता हूं, सुनो, आगे गुजर जाएंगे। कुरान हमारा जायज रिश्ता मोबाइल से जरूरत का रिश्ता है। जायज रिश्तों को छोड़कर ना जायज रिश्तों के साथ रहते हैं। जायज रिश्तों को गुस्सा आता कि नहीं आता है। घर में जवान बीवी, खूबसूरत बीवी, हसीन बीवी, वफादार बीवी, दर्दमंद बीवी, वफाशियार बीवी, खिदमत गुजार बीवी हमारे उठने पर उठती, हमारे बैठने पर बैठती, 24 घंटे हमारी फिक्र करती है। उस बीवी को छोड़कर उसी घर के अंदर कोई नाहिन जाल तरबियत से कोरा, अखलाक से कोरा, अंदर अगर कोई आदमी किसी और लड़की को बीवी के हुस्न से कम, बीवी की मोहब्बत से कम, हर एतबार से गिरी हुई उसको बुलाकर बाजू बिठाता है, बीवी को देखता नहीं, उसे देखता रहता है, खुदा का वास्ता लेकर कहता हूं, जमीन है तो जवाब दो कि उस औरत को देखता है, बीवी को कितना गुस्सा आता है, क्या वो बीवी हमारे साथ रहने के लिए तैयार होगी, रोएगी, पलाएगी, हमारी इज्जत उछालेगी, रहने के लिए तैयार नहीं होगी, साफ साफ कहेगी इसके साथ तो मेरा बन नहीं सकता, मेरे होते हुए मैं कोई ऐसी वैसी नहीं, लखपति खानदान की हूँ, खूबसूरत हूँ, खिदमत गुजार हूँ, हर वक्त खिदमत के लिए तैयार रहती हूँ, फिर भी मुझे छोड़कर ये किसी और के साथ दिल लगा बैठा है, मैं इस घर में रहने के लायक नहीं हूँ। इससे करोड़ों दर्जे ज्यादा हमारे घरों के अंदर खैद कुरान रखा हुआ, कुरान नहीं खैद कुरान, मुकैद कुरान। हमने कुरान को घर के अंदर रखा नहीं मेरे दोस्तों, घर के अंदर मुकैद करके रखा है। वो रो रहा है कि परवरदिगार या तो इसको घर से निकाल दे या नहीं तो इसके घर से मुझे निकाल दे। रिश्ता नहीं है, बाजारों में मुकदमा रहता है ना, सिर्फ 1.5 घंटा मस्जिदों को आ जाए तो हाँ, हजरत अहमद लाहौरी रहमतुल्लाह ने फरमाते हैं, तमाम तर असबाब मौजूद हो लेकिन उम्मत का रिश्ता कुरान से कट हो जाता है या उम्मत कुरान को छोड़ देती है, वन हेड उम्मत नाकाम जरूर हो जाती है। कुरान पढ़ना एक ताकत, कुरान पढ़ना एक हौसला, कुरान सुनना एक ताकत, कुरान सुनना एक हौसला। कहां सुनते हजरत, आप सुनेंगे तो पसीने छूट जाएंगे। इसी बंगलौर के अंदर एक मस्जिद के इस साल तरावी के हाफिज साहब को 6 दिन के बाद निकालेगा मस्जिदा में। वैसे तो मौजन साहब को, इमाम साहब को तो निकाल कर आदत होती है, बहुत मुश्किल से 10 साल पुराने इमाम साहब को मिलेंगे, 15 साल पुराने मौजन साहब मिलेंगे, वरना तो बदलो भी कब से उनको रख ले घोटले को जिले में बोलते नहीं क्या क्या जुमले बोलते कब से भी उनको रख ले घोटले को इनसे बदलो भाई। इस साल पर भी तरह भी सुना कुरान पर भी जुल्म हो रहा है, कुरान वालों पर भी जुल्म हो रहा है, कुरान पर भी जुल्म, कुरान वालों पर भी जुल्म। एक हाफिज साहब को निकाल दिया, मेरे पास
फोन आया उनका, उनको कोई बोल दिए थी कि आप एक काम करो मौलाना से मुलाकात करो। मैंने भी उनसे माजरत चाही, हालात बराबर नहीं, इन मसलों को उठाकर उछालने का मौका नहीं है, मैंने उन मसले को वहीं दबा दिया। तो क्या किस्सा था हजरत? अल्हम्दुलिल्लाह मैं फला मदरसे में फरार पाक हिफ्स किया हजरत, मेरे उस्ताद हूँ, खिराब के लिए मैं गुजरात भी गया था हजरत, मुझे फराब आहिस्ता पढ़कर आदत हजरत, मुझे जल्दी पढ़कर आदत, आवाज़ अल्लाह ताला अच्छी दिया, आवाज़ की वजह से जिम्मेदारा मुझे रख ली है। पहले दिन से मुझे सता लेकर हजरत हाफिज साहब की धोखी, पहले दिन से सता ले, क्या सता ले करते हाफिज साहब, जरा जल्दी हाफिज साहब जल्दी, दूसरे दिन करा दिया फिर जल्दी हाफिज साहब जरा जल्दी, 9:30 को खत्म कर दो, 9:40 को खत्म कर दो जल्दी हाफिज साहब, हाफिज साहब बोले जल्दी पढ़ना भी नहीं कुरान, वरतिल कुरान तरतीला। 20 मसाइल निकलते हैं इस आयत के अंदर कुरान पढ़ने का, टिका टिका कर पढ़ना, मखारिज के साथ पढ़ना, तजवीद के साथ पढ़ना, गौर और फिक्र के साथ पढ़ना, मजा लेकर पढ़ना। मेरे वाले सक्र साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे जब भी तुम कुरान पढ़ो तो ऐसे पढ़ो गोया के अभी कुरान उतर रहा है। नहीं 4G में जाते नॉन स्टॉप मेट्रो, और ऐसे हाफिज साहब बड़े मकबूल, इंदल कमेटी क्या है, याद रखो कुरान से अगर रिश्ता मजबूत नहीं तुम्हारी दाल कहीं भी नहीं गलेगी। दुश्मनों के ललकार तो दूर की बात, कुत्तों के भोंक से भी डरना पड़ेगा, कुत्तों के भोंक से भी डरना पड़ेगा। नौजवानों कुरान से रिश्ता मजबूत करो, कामयाबी का एक कामयाबी की जमानत मिल जाएगी। वक्त नहीं मेरे पास, वरना इसी बात को लेकर मैं पूरी रात आपको लेकर बैठ जाता है। आपके भी कुछ तकाजे और मसाइल हैं, मेरे भी कुछ तकाजे और मसाइल हैं। फिर कभी हाजी साहब से मेरे वाली साहब के, इनके पूरे भाइयों से मेरे वाली साहब के बहुत गहरे ताल्लुक आते, कभी इंशाल्लाह मैं खुद जाकर आपकी खिदमत में आ जाऊं इंशाल्लाह ताला, लेकिन कुरान से रिश्ता मजबूत करेंगे इंशाल्लाह। पढ़ना सीखो, सीखने तक अगर पढ़ना नहीं भी आया कम से कम घरों में रखे हुए कुरान को बोल को देख ले को तो बैठ जाए। फजाइल के बाद में ज़ईफ हदीस भी चलती है, बड़ी प्यारी हदीस है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मेरा तशरीफ ले गए अल्लाह ताला से पूछा इलालामीन जब मैं जाऊंगा तेरे बंदों के पास मेरी उम्मत के पास मेरे पर आपके बंदे मेरी उम्मत अगर पूछे अल्लाह को देखने का मजा कैसे था तो मैं क्या जवाब दूं? अल्लाह ने फरमाया कि पैगंबर आप इस वक्त मेरे दीदार से फैजियाब हो रहे हैं, अगर आपकी उम्मत मुझसे दीदार करना दुनिया में चाहती है तो उससे कह दो कि मेरे कुरान को देखिए, मेरे कलाम को पढ़ना, मेरे से बात करना, मेरे कलाम को देखना, मेरा दीदार, इससे बड़ी फजीलत पढ़ने नहीं आया तभी वजू वजू कर ले को मस्जिद में 10 मिनट पहले आ जाको, दादा दादी पर दादा पर दादी कौन कौन के मरे तो फरन आते नहीं, अब वो क्यों गया हजरत, अब कुर्सियां आ रही,
वो आपको रखे ना तेरे कुरान उठा ले को वरक को बोल ले को ऐसा बैठ जाना तरावी पढ़ाने हाफिज साहब आए तो डर जाना बहुत बड़े हाफिज साहब हैं जैसे शबे खत्म में चलता आजकल 26 दिन जो नमाज नहीं पढ़ता नहीं कह रहे सर शबे खत्म में नमाज जरा मोहल्ले में लेट 9:30-10 बजे ठीक है तो मोहल्ले के पूरे बेनमाज आपको मौका मिल जाना जरूरा वक्त पर नमाज रखे तो उन्हें उछलता जो ये करके भी तरावी नहीं गए पढ़तू सर साल में एक मरतबा वो भी गलत करे तुम्हें रमजान हो तो जी मोहल्ले में सदर का इलेक्शन नहीं करा तो तब पूछ रही चलता नहीं चलता अबे कदर में 10 बजे नमाज मोहल्ले का एक पीछा करता जो रुको बोलता गए लागे तो हमारे दादा हज को जैसे रुमाल ही उठा आज है ना कुरान खत्म कर दे बूंदी तबर्रुक बाकी होते आज भी अगर नहीं गया तो मेरी इज्जत होती क्या गे जल्दी 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 नहा ले गिर को रुमाल ढोल ले को आग को इमाम इधर बिल्कुल पीछे बिल्कुल पीछे फर्स्ट क्लास में बैठा अब यहाँ रोजाना यहाँ बैठते थे जो कोई सबसे ज्यादा फजीलत मस्जिद के सफों में आगे की सफों में है सबसे ज्यादा फजीलत पहली सफ में है पहली सफ में भी सबसे ज्यादा फजीलत इमाम के बिल्कुल पीछे है क्योंकि उन्हें इमाम का खलीफा नायब इमाम उसके बाद सीधे जाने उसके बाद पाए जाने ऐसी फजीलत आपको बैठा तो भी अल्लाह का मना खोजते भी कोने में बैठना नहीं बिल्कुल इमाम के पीछे खुदा ना खासा इमाम का वजू टूट गया उसे आगे करे क्या होना भाई उसे आगे करते के लिए भी पीछे का मजमा अल्लाहुम्मा फिरली हयिना व मयतिना इमाम के पीछे भी फुकहा लिखते हैं खाबी खड़ना भाई चांस अगर इमाम की नमाज में खुद आ जाए तो आगे बढ़कर इमाम नमाज संभाल मसाइल है खिलाफत और नियाबत के मसाइल है मामूली बात नहीं इसीलिए मौजन साहब पहले से जिक्रानी मस्तान पर करते हैं बोन की मां नहीं खड़िया बोलकर की मुअज्जिन बेहतर नाइब है बाज लोग फरमाते नई जगह पकड़ना मस्जिद में नाजायज और बिदात है यहाँ पकड़ना जरूरी है वरना ना अहल खड़ गया तो पूरे नमाजियों की नमाज का कौन जिम्मेदार है आपको बैठ जाता रखो बोले रोजाना बैठे रहते ही देखो उन्होंने जब आते तो शेख क्या रहे हर दिन मैं आता था पहले आधा करो वो हजरत की दुआ बयान करे शबे खदर में जिब्रील आते होते हमारी मस्जिद पर चलो चलो आज जिब्रील से मुलाकात का शर्फ मिलेगा आपको जल्दी जल्दी वजू करने को पासवर्ड को आपको देखे जिब्रील कैसे जिब्रील नहीं पठा पठा अरे रे तुम्हे क्या जी आओ की क्या मैं मुसलमान नहीं मुसलमान का तो क्या शबे कदर पूछा ना फजर में आया तो क्या मुसलमान नहीं होता नहीं मैं क्या की समझा मैं रोजाना नहीं बैठता था सो वहां आज पहले बैठ गए मस्जिद की जगह सबके लिए होती देखो हाजी साहब शायद बनाए मस्जिद वाली साहब के नाम से लेकिन इनको भी जगह पकड़ने की जा सकती है है क्या जरा नहीं न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद आयास गरीब पहले आ गया तो आगे अमीर देर में आ गया तो पीछे यहाँ जगह नहीं पकड़ सकते रोजाना बैठता था सो आप तुम्हें बैठ के एक काम करो फजीलत बहुत ज्यादा करते जरा तो नहीं रखती देख 20-25 दिन तुम्हें यहाँ बैठे नहीं हटोगे
फूल लेकर बैठे बैठेंगे इंशाल्लाह। कौन कौन बैठेंगे? जो पढ़ने वाले हैं पढ़ो, जिनको पढ़ना नहीं आता कम से कम कुरान तो खोलो घर के अंदर, इंशाल्लाह ताला हालात खुल जाएंगे। कुरान बंद हालात बंद, कुरान खुला हालात खुल गए, कुरान बंद रास्ते बंद, कुरान खुल गया रास्ते खुल गए इंशाल्लाह। ये मेरी बातें नहीं, हमारे बड़ों की असातजा की हमारे अकाबिर की औलिया की बातें हैं। आज हमारे रास्ते क्यों बंद हैं? इसलिए कि हमारे घरों से लेकर मस्जिदों तक, मस्जिदों से लेकर घरों तक कुरान है। हजरत अहमद लाहौरी ने फरमाया, दूसरी तीसरी को शॉर्टन कर लेता हूँ फिर कभी इंशाल्लाह ताला उलमा फरमाएंगे, उम्मत कामयाब इसलिए नहीं हो रही है कि इस वक्त उम्मत का खाना अक्सर बेनमाजियों के हाथ का हो गया। बेनमाजियों के हाथ का खाए तो हालात खराब हो जाते हैं ना, खुद बेनमाजी रहा तो क्या होंगे हालात। शेखुल हदीस ने फजाइल में लिखा है, एक मोहल्ले में एक बेनमाजी रहा, उसके घर की नहुसत का असर इधर 40 कर, इधर 40 कर, उधर 40 कर, उधर 40 कर, 107 घरों में एक बेनमाजी। बेनमाजियों के हाथ का खाए तो हालात खराब हो जाते हैं। होटलों में खाना बनकर होगा, पेट समझे म्युनिसिपैलिटी की टोटी, इसे मामूली समझो लोगों, ये अगर अच्छा ये भी अच्छा, ये अच्छा ये अच्छा ये अच्छा, खाने का असर पूरे जिस्म पर पड़ता है। भाई काम में जरा डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर साहब दवा लिख को देते हैं कि सुबह को दोपहर को रात को खाओ, कान में दर्द खाने की कल देख कितना होती उल्टा करो, पेट एक ऐसी चीज है वहां चीज जाती है पूरे जिस्म में फैल जाती है। सर में दर्द पेट को दवा, पीठ में दर्द पेट को दवा, पांव में दर्द पेट को दवा, आंख में दर्द पेट को दवा, कहां जिस्म में दर्द रहा तभी पेट को दवा। क्यों? जब दवा पेट में पहुंचती है, पेट जहां पहुंचाना वहां पहुंचाता है। बिल्कुल इसी तरीके से ग़िज़ा सही सही हाथों का हलाल तरीके से पेट को पहुंचता है तो फिर ग़िज़ा जिसको जो देना वो दे देता है। दिल के अंदर जोश और होश देता है, आंखों के अंदर हया देता है, कानों के अंदर सवाद देता है, जुबान को पाक करता है। इसलिए अहमद लाहौरी ने फरमाया कि उम्मत तमाम तर चीजें रखने के बावजूद नाकाम इसलिए होती है कि बेनमाजियों का हाथ का खाना, चाहे घर में चाहे होटल में, खुद भी नमाज पढ़ो नमाजियों के हाथ का खाओ। एक होटल की इफ्तिता को मुझे बुलाए, मुझे बुलाए होटल की इफ्तिता को, मुझे कहाँ कहाँ के बुलाते हो? जिम की इफ्तिता को भी बुला दो, जिम मतलब मालूम है आपको, जिम जिम बोलते हैं, जिम बोलते क्या है, जिम जिम बोलते हैं, गलती होगी माफ करना। जिम की इफ्तिता को मुझे बुला, भाई क्या किए महंगा बोल को समझा तो गया, तो अंदर इतना बड़ा कमरा औजार है, इतने बड़े बड़े अज्ञान दिए कपड़े चले गए, वैसा वैसा कर लगो खड़े ही, कहां से नहीं आना वहां से भी गोश आता है। ये इब्तिदा करने में ऐसे इससे बोला नहीं अल्लाह, ये पावर अलग वो पावर अलग, तुम्हारा पावर यहाँ हम लोग उनको बुलाए सर। होटल की इब्तिदा को बुलाए तो मैंने यही कहा कि भाई पकाने वालों के लिए कानून लगा दो कि नमाज पढ़कर पकाए, क्योंकि तुम्हारे होटल से खाने वाला मजा लेकर न जाए, नमाज का शौक भी होना चाहिए।
लज्जत ही लेकर न जाए, ईमान की ताजगी लेकर जाए, क्योंकि नमाजी के हाथ का पका हुआ खाते हैं, कसम अल्लाह की नमाज का शौक पैदा होता है। हजारों वाकियात हैं जो उलमा जानते हैं। होटलों में खाने से बच्चों ताकत बर्बाद हो जाती है, हैबत खत्म हो जाती है, कामयाबी के रास्ते बंद हो जाते हैं। तीसरी बात, हजरत अहमद लाहौरी अलैहि रहमा ने फरमाया, उम्मत की नाकामी का सबब क्या है? उम्मत अल्लाह वालों की मजलिसों से दूर हो जाती है, अल्लाह वालों की मजलिसों में आने से डरती है। दोस्तों, अल्लाह वाले जब आते हैं तो जरूर उनकी मजलिसों में शरीक हो जाओ। बाहर के हालात भी सुधर जाएंगे, खुद के हालात भी सुधर जाएंगे। हजरत खान भी फरमाते हैं, अल्लाह वालों की मजलिसों का सबसे बड़ा फायदा क्या है? कि उनकी मजलिसों की बरकत से खुदा जाने वाले को भी अपना वली बना देते हैं। करेंगे इंशाअल्लाह। और भी बहुत सारी चीजें हैं, हजरत भी फरमाते हैं। मुझे इस वक्त ये बात जहन में आई, तीन चीजें हमारी फुतूहात को रोक रही है। एक, कुरान से दूरी, दूसरा बेनमाजियों के हाथ, तीसरा अल्लाह वालों की मजलिसों से दूरी। खास तौर पर नौजवानों से कहता हूँ कि उलमा की, औलिया की मजलिसों में बैठने की आदत करो। छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर आओ, चाहे शरारत करे कोई बात नहीं, बच्चे शरारत नहीं करे तो कौन करेंगे शरारत? उनकी शरारत से बेजार होकर मस्जिद को ना लाने का मिजाज पैदा न करो। बार बार बोला अल्लाह का घर बैठे, हजरत बैठे। थानवी रहमतुल्लाह अलैह मजलिस में बैठे थे, एक हजरत के मुरीद अपने बेटे को बुलाकर मजलिस को लेकर आए। बेटा ऐसा खामोश बैठा है वो बच्चा, हल रहा भी नहीं, हदर रहा भी नहीं, क्या भी पूछ रहा भी नहीं। पूरी मजलिस होने के बाद थानवी ने फरमाया, अरे भाई ये छोटा बूढ़ा कहाँ से लाए? बच्चे तो खूबसूरत उस वक्त होते हैं जब उनके अंदर खूबसूरत शरारत हो। लेकिन ज्यादा बोलो ना, मुजम्मिल साहब तो शरारत करो, बोले बोलते हो माँ हमारे बच्चे खाली बेंगलुरु के हमारे इलाके के बच्चा को 8 दिन दिल्ली को भेज डाले अंकल उधर जाते शरारत बच्चा के बारे। अल्लाह हमारे बच्चों का मुस्तकबिल भी अच्छा बनाए, कामयाब बनाए, आने वाले हालात में उनको पूरी हिम्मतें अता फरमाए। मैं बहुत ममनून हूँ, मशकूर हूँ इस मस्जिद के जिम्मेदारों का, उन्होंने मोहब्बतों से नवाजा और ऐसे अच्छे मौके पर मुझे आने की दावत दी। ये मेरे लिए सआदत है। हमारे तो बहुत अच्छे ताल्लुक हैं उलमा से, मोहब्बत करने वाले हजरात हैं। मस्जिद भी देख कर बहुत खुशी हुई, सादी सीधी है, बहुत अच्छी। अल्लाह ताला जिस नीयत के साथ मस्जिद तामीर हुई उसमें भरपूर तालीम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिरु दावाना अलैक अलहम्दुलिल्लाह शुक्रिया अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व आला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्ली अलैहि रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार रब्बाना ज़लमना अन्फुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना لنكونن من الخاسرين اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا ومعنا ومعنا أي الله أي رب العالمين أي أكرم الأكرمين أي غياث المستغيثين أي راحم المساكين هم سب تیرے بندے تو ہی ہمارا اللہ ہے تو ہی حقیقی معبود ہے مسجود ہے اللہ قدرت و تمہاری तू जो चाहता है वही करता है, तू जो चाहता है वही होता है। हम सब तेरे बंदे गंदे हैं मौला, लेकिन मैं तेरे ही बंदा हूँ। तू ही ने हमको पैदा किया, इंसानों में पैदा किया, ईमान अता फरमाया, हुजूर की उम्मत का, हुजूर का उम्मत बनाया। जमीन इस वक्त हम बहुत परेशान, सारी दुनिया के तेरे बंदे तेरे हबीब की उम्मत बहुत परेशान, कोई गुस्सा नहीं कोई हम तक मौला करीम किसी की ज़रूरत भी नहीं, मतलब एक तू हमारा बोझा, तुम पर रहम का मामला करम का मामला करो, काफियत का मामला करो। अल्लाह
तेरे हबीब की उम्मत की जान बड़े खतरे में है मौला, इज्जत आबरू खतरे में है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ईमान खतरे में है। तू नहीं बचाएगा तो फिर कौन बचाएगा? जब बच्चे को तकलीफ होती है माँ ही तो बचाती है, बाप भी तो बचाती है। बच्चा कुछ भी करता है बचने के लिए माँ बाप के पीछे आकर चुप जाता है। अल्लाह उस माँ से हजारों गुना ज्यादा मोहब्बत करने वाला तू नहीं बचाएगा तो फिर कौन बचाएगा? बर्बाद हो जाएंगे मौला अगर तू नहीं बचाएगा, वे मौत मर जाएंगे मौला। आदमी जलील और रुसवा हो जाएगा। जब भी आप अपने हबीब पर नजर डालते हैं उम्मत को माफ कर देते हैं। आपके हबीब का सदका उनको माफ कर दीजिए। हम पर रहम करम का मामला कर रमजान का महीना चल रहा है, इख्तिताम के करीब है। इस तरीके से उनको इसका हक अदा करना था किए हुए जैसे किए हुए तो ना आप कबूल फरमा दीजिए। आप कबूल फरमा दीजिए। नमाजें छोड़ दिए, रोजे छोड़ दिए, माफ कर दीजिए, आप नाराज मत हो जाइए। आप नाराज मत हो जाइए, आपकी रजा ही हमारी हयात है, आपकी रजा हमारी कामयाबी है। आप नाराज मत हो जाइए, सारी दुनिया नाराज हो जाए कोई बात नहीं, आप नाराज नहीं होना। आप नाराज मत हो जाए, राजी हो जाएगी, राजी हो जाएगी, उसे राजी हो जाएगी, राजी हो जाएगी, किसी ना किसी बहाने से राजी हो जाएगा, किसी ना किसी बहाने से राजी हो जाएगा। आप बहा देखते नहीं ऐ अल्लाह, आप बहा देखते नहीं, बहा ना देखते हैं मौला। भूल कर भी कोई बंदा आपका राम कहने की बजाय रहीम कह दे, आप उसे भी माफ कर देते हैं। अब तो पूरे होशो हवास के साथ आपको पुकारते हैं, हमको माफ फरमा दे मौला, अगले पिछले गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाह इस वृद्ध मुसलमानों की हिफाजत फरमा दे। तेरे इस जमीन में इस मुल्क मुसलमान बहुत खतरे में है मौला। अब तो हालात इतने खराब हो गए कि कल क्या होगा हमें पता नहीं। कहता आप क्या नहीं कर सकते, आप क्या नहीं कर सकते अल्लाह। आप बंदों से जिंदा, जिंदों से मरता, उजाले को अंधेरा, अंधेरे को उजाला, मुश्किल को आसान, आसान को मुश्किल बनाना आपके लिए आसान है। कहता ये दुश्मनों के मुकद्दर में हिदायत दे तो हिदायत अता फरमा दो, नहीं तो हलाक फरमा दो। देख रात के कोने मारा है, रमजान और मुबारक का महीना है, तुझे मनाने के लिए हम सब यहाँ बैठे हैं। दीन की बात की, फिक्र की बात की, तेरी इतनी बड़ी मजलिस में कोई एक तो अपना वाला भी होगा, तेरा होगा मौला, इसकी जिंदगी से तो खुश होगा। सब जागते हैं तुझे मनाने के लिए, तेरे दुश्मन सो रहे हैं। मुकद्दर में हिदायत नहीं तो हमेशा की नींद दे दे मौला, हमेशा की नींद दे दे। और बहनों की इज्जत आबरू की हिफाजत करो, शरीयत के एक एक मसले की हिफाजत करो, मसाजिद की हिफाजत करो, मदारिस की हिफाजत करो, खानकाहों की हिफाजत करो, उलमा औलिया की हिफाजत करो, हमारे बुजुर्गों की हिफाजत करो, बिलखसूस वाला हमारे नौजवानों की हिफाजत करो, ये जवानी में बरकत अता करो, हिम्मत अता करो, हौसला अता करो, शजाअत अता करो। तेरा बना ले मौला, तेरा बना ले मौला, तेरे हबीब का बना ले। जो बीमार है उनको सेहत अता करो, मरहूमीन की मगफिरत करो, जिनकी शादियाँ नहीं हुई नेक सारे जोड़े अता करो, जिनको औलाद नहीं नेक सारी औलाद अता करो, जिनके घरों में मोहब्बत नहीं मोहब्बत अता करो, इत्तेहाद नहीं इत्तेहाद अता करना, तिजारतों में बरकत अता करना, आफियत अता करना, इल्म अता करना, सेहत अता करना, लाइलाज और मौलिक बीमारियों से हिफाजत करना, वबा से हिफाजत करना, साजिशों से हिफाजत करना, तकवा अता करना, तहारत अता करना, परहेजगारी अता करना, मकासिद में भरपूर कामयाबी अता करना। अल्लाह मकासिद में भरपूर कामयाबी अता करना।
हर किस्म के सगीरा कबीरा गुनाहों से हमारी हिफाजत करो, हमारी दुनिया भी बेहतर बना, ईमान वाली मौत अता फरमा, मरने के बाद के मसाइल में तेरी मदद और नुसरत अता फरमा, जो मांगे है अल्लाह वो भी अता फरमा, जो मांगने से है वो भी अता फरमा, हमारी दुआ को फजल से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदरे तुफैल से कबूल फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तब अलैना इन्नका अंतत तव्वाब रहीम सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहम राहिमीन।